रामचरित मानस पर जो विवाद चल रहा है, रामचरित मानस की प्रतियां जलाने के मामले में दो आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया। जेल में बंद सलीम और सत्येंद्र पर लगा एनएसए। तो आपको बता दें कि यह बड़ी खबर, रामचरित मानस की प्रतियां जलाने का मामला है, दो आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया है और जेल में बंद सलीम और सत्येंद्र पर लगा है ये एनएसए। तो एनएससी के तहत अब इन पर कार्रवाई होगी। दरअसल लखनऊ में प्रतियां जलाई गई थी, रामचरित मानस का विरोध किया गया था और उसके विरोध स्वरूप ये बताया जा रहा है ये प्रतियां आप देख सकते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती। जेल में बंद सलीम और सत्येंद्र पर अब एनएससी लगा दिया गया है। दर्शकों को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन को लेकर ये प्रतियां जलाई थी, ये आप देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने ये तस्वीरें देखी होंगी और इसी मामले को लेकर रामचरित मानस के प्रतियां जलाने के मामले में सलीम जो जेल में बंद है और सत्येंद्र उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एनएससी लगाया गया है जेल में बंद सलीम और सत्येंद्र पर। शुभम हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। शुभम, बताया जा रहा है कि जेल में बंद सलीम और सत्येंद्र पर एनएसए लगाया है क्योंकि उन्होंने रामचरित मानस की प्रतियां जलाई थी, तो क्या भूमिका थी सलीम और सत्येंद्र की जिसकी वजह से एनएसए लगा इन पर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि जब ये पूरा मामला सामने आया था कि रामचरित मानस की प्रतियां जलाने का और पीजीआई थाने में इसको लेकर के मामला दर्ज हुआ और इसके बाद ही इन सभी लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, तब से ही इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के मांग तमाम हिंदू संगठन कर रहे थे, जिसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तार किया गया और अब इन सभी पर एनएसए लगा दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन सभी पर अब आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। लगातार ऐसे साक्ष्य मिल रहे थे जिसको लेकर के पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें साफ हुई हैं, जिसके बाद एनएसए की कार्रवाई इन सभी पर की जाएगी। इसको लेकर के साफ तौर पर पुलिस का भी कहना था कि तमाम साक्ष्य उनके पास इसको लेकर के हैं, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है और अब इस पूरे मामले पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ और भी ऐसे चीजों को तलाशने का काम पुलिस कर रही है क्योंकि बताया जा रहा है मुख्य रूप से सलीम इस पूरे मामले को लेकर के जो षड्यंत्र करना, इसको लेकर के लोगों को अपनी बातों में बहकाने का काम उन्होंने किया और उसके साथ साथ लोगों को इस तरह से जुटने के लिए कहा, तो कहीं ना कहीं एक पूरा प्रायोजित ढंग से पूरा जो ये घटना थी उसको अंजाम देने का काम किया गया, जिसके बाद ये साक्ष्य इससे जुड़े लगातार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिल रहे थे और अब इसके बाद अब इन लोग के ऊपर